हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने बनाया है ढोकला, बेसन का ढोकला रेसिपी। और फर्स्ट टाइम बनाया है लेकिन इतना स्वादिष्ट हुआ है, मैंने क्या बताऊँ। और बनाने में इतना इजी है, मैंने सोचा नहीं था ढोकला बनाने में इतना इजी है। और खाने में तो इतना स्वादिष्ट हुआ है, क्या बताऊँ आप लोगों को। आइए देखते हैं मैंने कैसे बनाया। मैंने ले लिया राजस्थानी बेसन, 1.5 कप ले लिया। और स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा सा चीनी डाला और साथ में मेरे थोड़ा सा नमक डाला। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते इसलिए थोड़ा सा चीनी डाला। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दिया। उसके बाद 10 मिनट हो गया मेरा और मैंने अच्छे से फेंट लिया। ज़्यादा जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने एक केक टिन ले लिया, केक टिन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला। अच्छे से ग्रेस करने के बाद मैंने जो बटर बनाया था बटर को अच्छे से डाला। बटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा टेप किया। टेप करना ज़रूरी है क्योंकि अंदर हवा चला जाने से कच्चा रहने का ज़्यादा चांस हो जाता है। और मैंने बैठा दिया कढ़ाई में। इसके बाद मैंने तड़का बनाएंगे। 2 हरी मिर्ची डाला, 1 पका हुआ, 1 कच्चा। और साथ में मैंने थोड़ा सा राई का दाना और करी पत्ता डाला। साथ में मैंने थोड़ा सा हींग डाला और चीनी 2 चम्मच और थोड़ा सा नमक। तड़का भी हो गया और इधर मेरा तड़का भी रेडी हो गया और मेरा बेसन का ढोकला भी रेडी हुआ। मैंने सोचा नहीं था इतना आसान है बनाने में, लेकिन मैंने पहले बनाया नहीं था। सोचा बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है। आप लोगों को क्या बताओ, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से काटेंगे। काटने के बाद मैंने जो तड़का बनाया था तड़का ऊपर में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जो तड़का बनाया था उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू है नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।